दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध कचरी की चटनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये, बनाने में भी आसान है, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके यहाँ पर कचरी मिलती है तो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। और इसे बनाने के लिए देखिए, हमने यहाँ पर ली है ये कचरी, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद में अब मैं इन्हें छील लेती हूँ। छिलका थोड़ा सा इनका सख्त होता है तो हमें इन्हें ज़रूर छील लेना चाहिए। ये जो कचरी है ना, ये थोड़ी हरी दिख रही है। अगर इनमें आप थोड़ी बड़ी और पीली कचरी लेते हैं ना, तो अगर उन्हें आप नहीं भी छीलेंगे ना तो भी चल जाएंगी। तो ये देखिए, मैं इन्हें छील लेती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छील रही है ये। तो बस इसी तरह से हमें सारी कचरी छील लेनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, एक कचरी मैंने और छील करके दिखाई है आपको, बहुत ही आसानी से छिल जाती है। सारी कचरी छील लेने के बाद में हमें इन्हें इस तरह से कट कर लेना है। और इसके बाद हम ले लेंगे एक मिक्सी जार और उसमें इन कचरी को डाल देंगे। और इसके साथ में आप देखिए कि हमें और क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ली है करीब 4-5 हरी मिर्च। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी लाल भी दिख रही है, तो ये वाली मिर्च मैं इस चटनी में डालूंगी। अगर आपके पास में हरी मिर्च ना हो तो सूखी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, और अगर सूखी लाल मिर्च ना हो तो हरी मिर्च डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर इन मिर्च के साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी, तो इसलिए मैंने 5 ही हरी मिर्च ली है। अगर आप लाल मिर्च पाउडर ना डालें तो मिर्च की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर, तो इन्हें भी अब हम कट करके इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चटनी को बनाने में। तो ये दोनों टमाटर भी हमने डाल दिए। और अब हम इसमें डालते हैं लहसुन की कलियाँ, तो करीब 15-20 मैं यहाँ पर डालूंगी लहसुन की कलियाँ। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा। और सभी चीज़ें डालने के बाद में हम इन्हें बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। और आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तड़का। तड़के के लिए देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये जो चटनी हमने पीस करके रखी थी। आप इस समय पर इसमें 1-2 खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है इस चटनी पर। अभी हम इसमें 1-2 चीज़ें और डालेंगे, जिसकी वजह से ये चटनी और भी टेस्टी बन जाएगी। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, चला देते हैं। और इसके बाद में हम इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए, करीब 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी चटनी बन करके तैयार है। तो अब आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, जिसके साथ में चाय, एंजॉय कीजिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कचरी की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।